जब हम सैन एंड्रियास और मोस्ट वांटेड जैसे ऑसम गेम्स खेल रहे थे तब कहीं से लो स्पेक पीसी गेम्स हमने मिस कर दिए थे जो कि सैडली उतने पॉपुलर नहीं थे बट आर डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। तो आज ऐसे ही 10 बेहतरीन गेम्स की हम बात करेंगे जो कि लो एंड पीसी पर भी खेले जा सकते हैं। लिस्ट को शुरू करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट ओपन वर्ल्ड गेम्स के साथ कॉल्ड द साइबर टूर। 2010 का ये टाइटल इज सेट इन फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जहाँ पे एक रेस कार ड्राइवर बन के खेलेंगे फेसिंग ऑफ अगेंस्ट नाजीज। अगर मुझे इसके गेम प्ले को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आई विल से इट्स GTA मीट्स असैसिन्स क्रीड, क्योंकि यहाँ आपको GTA वाली ड्राइविंग और शूटिंग के साथ पार्कोर और स्टेल्थ भी मिलेगा। यहाँ आप कोई भी बिल्डिंग क्लाइंब कर सकते हैं अलॉन्ग विद सम बेसिक पार्कोर मैकेनिक्स। और जैसा मैंने बताया कि ये गेम वर्ल्ड वॉर टू में सेट है तो इसके वर्ल्ड में आपको उसी जमाने के व्हीकल्स और वेपन्स मिलेंगे जहाँ आप GTA की तरह किसी भी व्हीकल को हाईजैक कर सकते हैं। लास्टली आई हैव टू टॉक अबाउट दिस गेम्स यूनिक आर्ट स्टाइल जहाँ आपको मोस्टली मैप कलरफुल मिलेगा लेकिन जैसे ही आप नाजी ऑक्यूपाइड एरियाज में एंटर करेंगे देन एवरीथिंग बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट एक्सेप्ट द कलर रेड। इन शॉर्ट साइबरटूर इज अ रियली अंडररेटेड गेम जिसे ओपन वर्ल्ड जॉनरा के फैंस तो जरूर एंजॉय करेंगे एज इट हैज अ बिट ऑफ एवरीथिंग जो कि गेम प्ले को रेपिटेटिव होने से बचाता है एंड कीप्स यू एंटरटेन्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट FPS गेम कॉल्ड डार्कनेस 2। 2012 का ये टाइटल इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक शूटर्स जो कि बेसिक शूटिंग के साथ एक ड्यूअल वेल्डिंग सिस्टम देता है अलॉन्ग विद 2 डीमन आर्म्स जो कि कॉम्बैट को बड़े क्रिएटिवली एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ये गेम स्टोरी के लिए मत खेलना एज इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग। सो अब सीधा इसके गेम प्ले की बात करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आप यहाँ डीमन आर्म्स इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके बॉडी से कनेक्टेड होंगे विच नॉट ओनली लेट्स यू टेयर डाउन योर एनिमीज बल्कि ऑल्सो अलाउज यू टू थ्रो ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। इन एबिलिटीज को जब इसके बेहतरीन शूटिंग के साथ मिक्स करते हैं तो आपको हाईली एंटरटेनिंग कॉम्बैट मिलता है जिससे आप कई डिफरेंट तरीकों से एनिमीज को फिनिश कर सकते हैं। ऑल्सो गेम आपको कुछ RPG एलिमेंट्स भी देता है जहाँ यू विल कलेक्ट रेलिक्स एंड मैनेज अ स्किल ट्री अलॉन्ग विद हैवी डायलॉग ड्रिवन कटसीन्स। Let's go crack some skulls. Darkness 2 seriously एक one of a kind shooter है जहाँ इसके comic book like art style और brutal combat आपको start से end तक entertain रखेगा and is a must play for all the gamers. I Am Alive is an action adventure survival game जो कि एक post apocalyptic world में set है where a major earthquake has wiped out most of the humanity. 2012 का ये Ubisoft title is not very well known और कई gamers ने तो इसका नाम तक नहीं सुना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खेलने लायक ही नहीं, क्योंकि I Am Alive कुछ genuinely बढ़िया ideas implement करता है in the gameplay department. अब इसके premise की बात करें तो it will remind you of Last of Us क्योंकि यहाँ भी आप एक young girl के caretaker होते हैं जहाँ you will fight off enemies in a world where ammo or resources are very limited. So इसका combat बहुत ही strategy involve करता है जहाँ आप enemies को मारने के जगह उनसे gun point पर surrender भी करवा सकते हैं and can even fake surrender ourselves to fool the enemy for an instant kill. ऐसे ही कई tactics game के combat को fresh और exciting बनाए रखते हैं as you keep finding new tools and weapons to deal with them. Lastly game traversal पर heavily rely करता है जहाँ आपको stamina meter मिलेगा जिसके वजह से exploration भी एक strategy based गेम प्ले बन जाता है जहाँ यू चूज योर एक्शंस केयरफुली। अगला गेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी फ्रेंचाइज का गेम अडैप्शन है। नाउ जो लोग भी इस सीरीज से फेमिलियर हैं उन्हें पता ही होगा कि हाउ वायलेंट दीज मूवीज कैन बी, और उसी तरह ये गेम ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब यहाँ आप एक डिटेक्टिव बनके खेलेंगे जिसे जिग्सो ने कैप्चर किया है अलॉन्ग विद सम अदर विक्टिम्स इन दिस मेंटल हॉस्पिटल एंड जस्ट लाइक द मूवीज आपको इन ट्रैप से सरवाइव करते हुए एस्केप करना होगा जहाँ कई बार आपको किसी के अगेंस्ट भी लड़ना होगा। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस गेम इज इट्स इमर्सिव एनवायरनमेंट। यहाँ आपके हर मोड पे कोई खतरा होगा जिसे एक्सप्लोर करते हुए गेम विल कीप यू एट द एज ऑफ योर सीट। इसके अलावा आपको एक सिंपल कॉम्बैट सिस्टम मिलता है बट मोस्टली द गेम प्ले इज पजल फोकस्ड जहाँ कई यूनिक गेम प्ले मैकेनिक्स आपको देखने मिलते हैं। So the game is definitely a must play for the fan of this series. और अगर आपने कभी इसके movies नहीं भी देखे, फिर भी आप ये game enjoy कर सकते हैं if you are a fan of survival horror. Binary Domain is a third person shooter जो कि year 2080 की story बताता है जहाँ global warming के वजह से आधी दुनिया रहने लायक नहीं रही and robots are doing most of the labor work. अब इसका concept सुन के आपको उतना interest नहीं आया होगा, लेकिन बात रही इसके gameplay की तो वो बड़ा entertaining है। यहाँ आपको कई unique weapons देखने मिलेंगे जहाँ you will fight enemies with a squad जिन्हें order भी दिया जा सकता है according to the situation. Also आपके choices game की story और आपके relation with other characters decide करता है जहाँ
स्टोरी लाइन से लेके गेम प्ले दोनों जगह आपको अपने एक्शंस का इफेक्ट देखने मिलेगा। गेम की एनिमी वैरायटी भी बहुत बढ़िया है, जहां आप डिफरेंट काइंड ऑफ रोबोट से लड़ेंगे अलोंग विद सम वेरी कूल बॉस फाइट्स। इन बॉस फाइट्स के थ्रू गेम आपको कुछ ऑसम एक्शन देता है, जहां बटन मैशिंग से लेके स्ट्रेटेजिक गेम प्ले भी मौजूद है, एंड ऑल ऑफ दिस कंबाइंड इज डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। 2010 का ये पजल प्लेटफॉर्मर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अंडररेटेड गेम, जिसे कहीं से गेमर्स इसके आर्ट स्टाइल देख के इग्नोर कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू दिस, इसका यही फिल्म नोर आर्ट स्टाइल आपको एक इंटेंस और क्रीपी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट करता है, विच मेक्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस रियली इमर्सिव। अब यहाँ पे एक यंग बॉय को कंट्रोल करेंगे जो कि जंगल में उठता है, एंड वी आर गिवन नो इंस्ट्रक्शन कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। हेंस लिम्बो मोस्टली अपने एनवायरमेंट पर रिलाय करता है टू टेल अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमाइस, जहाँ धीरे धीरे इसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए इसकी स्टोरी समझेंगे। ऑल्सो यहाँ आपको कहीं से पजल्स और ट्रैप्स मिलेंगे विच विल किल यू अ लॉट, लेकिन फिर भी इसका गेम प्ले फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता, एज इट्स ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व, जहाँ आप मिस्टेक करने के बाद सीखते रहोगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तो बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं बस यही कहूंगा कि लिम्बो एक बहुत ही यूनिक गेमिंग एक्सपीरियंस है, जो कि आजकल रेयरली ही गेम्स में आपको देखने मिलता है, एंड हेंस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू तो इसे जरूर ट्राई करें। 2010 का ये एक्शन पैक्ड रेसिंग गेम डिज्नी इंटरएक्टिव स्टूडियोज ने पब्लिश किया था, जिसे ड्यूरिंग इट्स रिलीज बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे, लेकिन सैडली इट वाज अ कमर्शियल फेलियर। स्प्लिट सेकंड टेक्स प्लेस इन अ रियलिटी शो, जहां पार्टिसिपेंट्स रेस फॉर मनी एंड फेम। यहां आपको 12 एपिसोड्स मिलेंगे विद मल्टीपल लेवल्स इन ईच ऑफ देम, जो रेसिंग के अलावा और भी कई डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस देता है। अब बात करते हैं इस गेम के बेस्ट पार्ट की, एंड दैट इज इट्स एक्शन पैक्ड गेम प्ले। यहां आपको आर्केड स्टाइल हैंडलिंग के साथ एक यूनिक फीचर देखने मिलता है कॉल्ड पावर प्ले, जिसे फिल कर आप मैप में कई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं टू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स फॉर योर एनिमी एंड इवन टेक देम आउट। ऑल्सो आप देख ही सकते हैं कि ये गेम कितना एक्शन पैक्ड है, जो कि अपने डिस्ट्रक्टिबल एनवायरनमेंट के थ्रू बहुत ही ऑसम सेट पीसेस देता है, जहां आप कभी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से जाएंगे या शिप के इनसाइड ड्राइव करेंगे और इवन रूफटॉप्स के थ्रू जंप करेंगे। ये सब सेक्शंस इसके गेम प्ले को बहुत ही एंटरटेनिंग एंड फन टू एक्सप्लोर बनाता है, जिसे मैं इवन नॉन रेसिंग गेमर्स को भी रेकमेंड करूंगा। रेड फैक्शन गोरिल्ला इज अ थर्ड पर्सन शूटर, जो कि एक ओपन वर्ल्ड मैप देता है ऑन द प्लैनेट मार्स। 2009 का ये टाइटल इज एक्चुअली द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जहां प्रीवियस एंट्रीज को बिना खेले भी ये गेम ट्राई कर सकते हैं। नाउ द रीजन मैंने इसे इस लिस्ट में रखा इज मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्टेबल एनवायरनमेंट, जो कि इतने साल बाद भी आज के गेमिंग फिजिक्स को टक्कर देता है, जहां ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग ब्रिज या व्हीकल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और मोस्टली इसका गेम प्ले भी इन्हीं सेक्शंस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां आप एक एनिमी बेस जाएंगे, किल एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स योर वे एंड कॉन्कर दैट एरिया। और मोस्टली सारे मिशंस इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इसे रेपिटेटिव होने से गेम के वाइड वैरायटी ऑफ वेपन बचाता है, वेयर यू विल स्टार्ट विद स्लेज हैमर और धीरे धीरे करके यू अनलॉक दिस ऑसम वेपन्स, जो कि डिफरेंट सिचुएशंस और एरियाज के हिसाब से काम आते हैं। इन शॉर्ट, रेड फैक्शन गोरिल्ला इज नॉट अ गेम जो कि आपको स्टोरी के लिए खेलना चाहिए। इंस्टेड दिस टाइटल इज प्योरली अ फन गेम प्ले एक्सपीरियंस, जो कि आपको अपने वाइड वैरायटी ऑफ वेपन्स और ऑसम एक्शन के साथ एंटरटेन रखेगा। Spider-Man Shattered Dimension. Now, before the Spider-Verse movies, there was this game जो कि multiple timelines की story बताता है, जहां आप चार different Spider-Man बन के खेलेंगे। ये सारे iterations आपको different set of abilities देंगे, making the gameplay fresh and exciting. अब ये story super villain Mysterio से शुरू होती है, जहां Spider-Man से लड़ते वक्त ये artifact called Tablet of Order टूट जाता है and पूरे multiverse को खतरे में डाल देता है। Now, as I said कि हम multiple Spider-Man बन के खेलेंगे, तो आपको combat focused gameplay के साथ साथ स्टेल्थ सेक्शंस भी मिलते हैं, जहां यू कैन परफॉर्म स्टेल्थ टेकडाउन्स। द ओनली वीक थिंग इन दिस गेम इज द स्विंगिंग, जो कि बहुत ही बेसिक सेट ऑफ मूवमेंट देता है, लेकिन उसके अलावा आपको कहीं से कूल मैकेनिक्स देखने मिलते हैं, लाइक डाइविंग सेक्शंस, फर्स्ट पर्सन फाइट्स एंड मेनी मोर। ऑल इन ऑल आपको यहां वो हर चीज मिलेगी जो एक स्पाइडरमैन गेम से एक्सपेक्ट किया जाता है, लाइक मल्टीपल सूट्स, ऑसम कॉम्बैट एंड कूल बॉस फाइट्स। लिस्ट को खत्म करूंगा यूबीसॉफ्ट के इस फर्स्ट पर्सन सर्वाइवल हॉरर टाइटल के साथ कॉल्ड जॉम्बी। 2012 का ये गेम इज नॉट लाइक अदर जॉम्बी गेम्स, जहां आपको कहीं से वेपन्स मिलेंगे या फिर भरपूर एक्शन देखने मिलेगा, बल्कि दिस इज अ वेरी स्लो पेस्ड गेम, जो कि पुराने रेसिडेंट इवल गेम से इंस्पिरेशन लेता है एंड ब्लेंड्स हॉरर एंड सर्वाइवल एलिमेंट्स परफेक्टली। गेम लंदन में सेट है, तो आपको बहुत ही बढ़िया मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड मिडिवल आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, वेयर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज आर कनेक्टेड बाय सीवर्स, जो कि गेम में फास्ट ट्रैवल की तरह
तुम्हारा काम आता है। एक्सप्लोरेशन से लेके कॉम्बैट सब कुछ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ आप अपने बैकपैक में एसेंशियल आइटम्स कैरी करेंगे। और कॉम्बैट की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ आप मोस्टली इस बैट का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ फायर आर्म्स, बिकॉज द एमो इज गोना बी वेरी लिमिटेड। ऑल इन ऑल ज़ॉम्बी हैज सम रियली कूल आइडियाज लाइक परमा डेथ सिस्टम, जहाँ आप एक बार मर गए तो यू लूज ऑल योर बिलोंगिंग्स एंड प्ले एज अनदर पर्सन। लेकिन इसके साथ गेम लैक्स इन द कॉम्बैट डिपार्टमेंट, बट फिर भी ओवरऑल ये खेलने लायक गेम है, स्पेशली फॉर द फैंस ऑफ दिस जॉनरा।